हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्रिएशन ब्लॉग्स। तो आज है गन्नू का बर्थडे और गन्नू के बर्थडे की तैयारी कल से ही शुरू हो चुकी है और आज गन्नू की पूरी फरमाइश पूरी की जा रही है जो उनकी माँ पूरी कर रही हैं। और सुबह से बस गन्नू के ही मन का सारा काम हो रहा है, गन्नू के ही मन का उसका केक बन रहा है, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मतलब पूरा कह सकते हैं कि अगर उसका बर्थडे है तो आज उसका दिन है, कहते हैं ना, तो आज उसी का दिन है। तो उसके मन का सारा काम हो रहा है और कल क्या क्या हुआ था वो भी आप देखिए और आज क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होना बाकी है वो भी आप देखिए। और देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले कल क्या हुआ, गन्नू के बर्थडे की तैयारी के लिए कल क्या किया गया। दीदी क्या कर रही हो? गन्नू के बर्थडे के लिए केक बना रहे हैं। वो भी जो केक बनेगा तब बताएंगे कौन सा केक बना रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे। ये मेरे घर की केक की मतलब किचन, ये क्या बोले, ये ऑलराउंडर है। किचन, गार्डन, केक, कोई भी काम करवा लीजिए, घर का काम करवा दीजिए, बाहर का काम करवा लीजिए, ये ऑलराउंडर है। इसका कंपेयर कोई नहीं कर सकता। अरे ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है, यहाँ तो कोई नहीं कर सकता है। काम के मामले में तो खैर बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर काम करने लगेंगी तो फिर किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये देखिए हम खड़े हैं, ये पूरा बना रही हैं। अभी बहुत कुछ बनने वाला है, आप लोग इस तरह से देखते रहिए। ये देखिए दीदी चालू है फटाफट करने में। दीदी अपना भी वीडियो शूट कर रही है। तीन तीन मोबाइल एक साथ चल रहा है। एक तो मेरे यहाँ रेसिपी शूट हो रही है, उधर ब्लॉग शूट हो रहा है और इधर भी कन्नू का ब्लॉग शूट हो रहा है। ये देख। तब गुनमुन तुम क्या करने वाली हो कन्नू के बर्थडे में? जो मम्मी कहेगी वो मैं कर दूंगी। हाँ यही हो सकता है, जो मम्मी कहेगी मैं वो कर दूंगी। और कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम, कुछ बोलेगा तो बना के खिला देंगे। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, दीदी केक बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है अब और यहाँ मुन्नू का नौटंकी चालू है। केक बेक होने के लिए रख दिया गया है। एक केक बेक हो जाएगा तो इसके बाद एक और केक बनेगा। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो चुका था, मतलब कि केक बेक हो रहा था उसी के बाद ही मौसम इतना बढ़िया हो गया था, इतनी बारिश की देख के मन खुश हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये पापा इधर देखे, आप किसी दे मेरे बच्चा मुझे लगा ले, कभी लगा लो हमको। तो आज क्या है गन्नू, गन्नू का ओहो। यहाँ गन्नू और गन्नू की जिज्जी दोनों बैठ चुके हैं नाश्ता करने और दीदी सबसे पहले गन्नू को ले आके दे रही है। तो गन्नू बोल रहा है अपनी माँ से, माँ जिज्जी को भी ले आके दीजिए जल्दी से, मतलब कि उसको ये है कि मुझे मिल गया, अभी जिज्जी को क्यों नहीं मिला। गन्नू को था कि अगर मेरे साथ जिज्जी बैठी है तो उसे भी साथ में नाश्ता मिल जाए, लेकिन अब एक एक करके ही कोई दे सकता है। तो दीदी ने फटाफट फिर मुन्नू को भी नाश्ता दिया। यहाँ टेबल पे ही गन्नू के बर्थडे के दोनों केक के स्पंज रखे थे तो गन्नू बाबा पर सा था कि मैं इसे देख लूँ। तो दीदी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ दोनों केक के स्पंज, तुम देख लो और उसके बाद तुम नाश्ता करो। तो ये देखिए यहाँ गन्नू के केक के दोनों स्पंज बन चुके हैं।
ये देखिए यहाँ दोनों भाई बहन का प्रेम, मतलब उसे गर्म लग रहा था तो उसकी जिज्जी ने क्या किया, उसे तोड़ के खिलाया। तो गन्नू को ये हुआ कि जिज्जी जब मुझे खिला रही है तो मैं भी जिज्जी को खिलाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे यहाँ इन दोनों में बहुत जल्दी बटती नहीं है, मतलब बनेगी तो दोनों में बहुत बनेगी, नहीं बनेगी तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी। लेकिन इस बार जब से गन्नू आए हैं और इन दोनों में इतनी अच्छे से पट रही है ना कि देख के लग रहा है वाह, इन दोनों को तो नजर ना लग जाए किसी की। क्या हो रहा है दीदी, थार के इंजन को, थार के इंजन को लाल कर रहे हैं। थार किसके लिए बन रही है गन्नू? गन्नू के लिए। किसके लिए? मेरे लिए। ओहो, तो गन्नू के लिए बन रही है थार। गन्नू को थार खानी है। सब थार में घूमते हैं लेकिन मेरा बेटा थार में घूमेगा नहीं, खाएगा थार को। चलिए, और ये देखिए एक तरफ बन रहा है छोला, ये है कम तेल वाला छोला। आने वाली तो सब कुछ दीदी थी लेकिन हम मना कर दिए, हम बोले नहीं फिर थक जाओगी तो उधर तुम कर लो, इधर थोड़ा सा काम हम कर लेते तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना दीदी? अब मुनमुन, मुनमुन आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम बैठ के सबका वीडियो बना रहे हैं, इधर उधर मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं है अभी। और नानी बिचारी बहुत सोच में है कि हम क्या करें, हमको बोला जा रहा है कि हम क्या करें। जब हम बाल खोल के सुंदर दिख रहे थे तब तो वीडियो नहीं बना रही थी, इसके लिए बना रही थी कि सुंदर है। अब खोल लो, अब खोल लो, फिर हमको जूड़ा बनाना पड़ेगा। सब नजर लगा देते तो, इसलिए बचा रहे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पूरी पार्टी बाकी है, यहाँ भी चालू कर देते हैं। ये देखिए इधर वीडियो बन रहा है, यहाँ हम भी वीडियो बना रहे हैं, इधर अलग रहे, मतलब वीडियो बन रही है, पूरे घर में वीडियो ही बन रहा है। क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रही थी? क्या एक हजारों में क्या है? तुम? हाँ मैं। तुम बोल रही थी एक हजारों में? क्या एक हजारों में? ये तुम एक गाना गा रहे थे ना, इतना अच्छा वाला। नहीं, हम थोड़ी गा रहे थे। नहीं गा रहे थे? तुम गा रही थी। चलो कोई बात नहीं। यहाँ डेकोरेशन के लिए बैलून फुला दिया गया है और बैलून उड़ के पूरे घर में फैल चुके हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। हेलो, यहाँ मम्मी हमारी बना रही है केक का क्रीम। जल्दी जल्दी से बनाया, दो दो केक बनाना है ना। मैम बिल्कुल वाइट मत डालना कहीं, तू सा भी वाइट, कोयले जैसा काला, एकदम कोयला ही चाहिए मुझे। कोयला खाओगी? हाँ यार, ये हलाल में से कोयला। हाँ, कोयला दे दे इसको, कोयला दे दे। नाना को क्या क्या बोलो कि खदान से कोयला लेके आए हैं कि जिज्जी को कोयला वाला के हाँ कोयला कोयला कौन सा का थार? किस कलर की थार रहेगी तुम्हारी? रेड। थार की थरिया, थार ना बनी थरिया, बनी थरिया, थार थरिया, थार थरिया, थार थरिया, बनी थरिया, ऐसे बड़ा थरिया, ऐसे बड़ा थरिया, थार 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 वाली जो जीप होती है बंद वाली, वही जीप की तरह ही दिखती है, गौर से देखा जाए इन्हें। हाँ, देखा जाए, गौर से देखा जाए। यहाँ दो स्पॉन्ज भी खराब हो चुके हैं, दुल्हन का पर्दा हटाया जाए, दुल्हन का पर्दा हटाया जाए, दुल्हन को मुँह दिखाई हो। ये गोरी गोरी दुल्हन है, ये काली काली दुल्हन है, ये गोरी वाली इनकी है, ये काली वाली इनकी है। वलीना चॉकलेट, मैं ये खाऊंगी। मैं ये कौन सा? मैं ये दोनों। तुम सब खा लेना, तुम्हारा ही तो बर्थडे है। एक
ऐसे तैयार। ये है क्रीम, असली क्रीम। बस करो, नीचे गिर जाएगा असली क्रीम। ये है क्रीम, लो। बस लो। यार ज्यादा ना टेंशन। अच्छी क्रीम की है, ये पहचान है। तो देखा ना दीदी ने कितनी बुरी बेइज्जती कर दी थार की। थार विक्रम को बहुत ज़्यादा पसंद है। थार अगर विक्रम कहीं मार्केट में जा रहा है और उसे थार दिख जाती है तो वो 2 मिनट रुक के थार को देख लेता है। और देखा ना क्रीम को लेके दोनों ही बच्चे कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे कि अगर क्रीम गिर गया तो क्या होगा। ये है मेरे घर के हाल। तो ये देखिए एक केक बन चुका है। गन्नू आपको दिखा रहे हैं। ये केक तैयार हो चुका है। गन्नू का की तैयारी चालू है। दूसरा केक बन रहा है। ये आप लोग को दिखाते हैं कि केक इतना टेस्टी बना है कि बनने के बाद जो केक का थोड़ा बहुत सामान बचा है वो भी मेरे घर के बच्चे छोड़ने वाले नहीं है। ये देखिए लगे हाथ चालू है। ये क्या खा रहे तुम लोग? केक का टॉप लेयर खाया जा रहा है। ये देख रहे ना मेरे घर का तो ये हाल है। बोला था ना ऑलराउंडर है वो। इतना टेस्टी बनाई है केक कि दोनों खा के खत्म कर देंगे, बचेगा नहीं। अब बाकी तो जब आप केक कटेगा तो देख ही लेंगे। जोर लगा के और जो लोग आगे। यहाँ डेकोरेशन के बैलून फुलाने में विक्रम ने बहुत हेल्प की थी और अब विक्रम तैयार होके बैठ चुके हैं। अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब है केक कटिंग की बारी। ये देखिए केक भी आ रहा है और गन्नू पूरा एकदम बहुत जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से केक कटे और मुझे खाने को मिले, क्योंकि गन्नू को केक खाने में बहुत मज़ा आता है, उसे बहुत टेस्टी लगता है। केक किस बच्चे को नहीं पसंद होता है? केक तो सबको पसंद होता है। अब बारी है केक कटिंग की। दीदी आइए, दीदी घुसिए वहां पे, देखिए मम्मी ने केक ढक दिया है ताकि गन्नू का केक खराब ना हो और स्पार्कल केक नीचे जाता है तो खाने का फिर मन नहीं करता है। हो गया, हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। यही बाकी था, यही हो गया। अरे खा लो, खिलाएगी नहीं कुछ करेगी, तुम ही ना बोल रहे थे। अरे अरे अरे, हो गया कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं देखो तुम्हारी जो थार थी ना, आली काट दी गई है। ये इंश्योरेंस था तुम्हारे थार का? सब खा लो और उसके बाद पे नहीं करना होगा। ये देखिए सो ही मत। हाँ ठीक है, लग रहा है। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो सब तो बन ही चुका था, बस भटूरे छानने थे क्योंकि विक्रम को खाने का मन था छोला भटूरा। तो ये हुआ कि
कि भटूरों को छान लिया जाए और धीरे धीरे सबको खाना खिला दिया जाए। और दीदी भटूरे छानने में लग चुकी है, तो मैंने बोला ठीक है तुम भटूरे छान लो, मैं फटाफट खाना निकाल के सबको दे देती हूँ। तो गन्नू सबसे पहले बैठ गए थे, लेकिन आज गन्नू थक चुके थे, तो गन्नू ने बोला कि मम्मा आज आप खिला दो मुझे, अदरवाइज़ वो अपने से ही खाता है, कभी मतलब मुझसे नहीं बोलता है कि मम्मा तुम खिलाओ मुझे। तो मैंने बोला ठीक है चलो बेटा आज हम ही खिला देते हैं तुमको। तो अब यहाँ फटाफट मैं सलाद काट रही हूँ, सलाद काटने के बाद अब खाना निकालूँगी और पहले गन्नू को खिलाऊँगी और गन्नू खा लेंगे फिर फटाफट से सबको दूँगी, क्योंकि गन्नू को अब धीरे धीरे आ रही है नींद, क्योंकि बताया था ना दोपहर में वहाँ सोने की आदत है और यहाँ आके मस्ती में रहते हैं सोते नहीं हैं, तो शाम में थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ फटाफट से अब ना खाना तैयार हो रहा है, ये देखिए गन्नू की थाली निकल चुकी है, अब गन्नू अपना डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद वो सो जाएंगे। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ गन्नू को खिलाने, और मम्मी बात कर रही है किसी से वीडियो कॉल पे। आप लोगों को ये बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और गन्नू को ब्लेसिंग्स दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।